ढाई महीने पहले मुझे कोविड हुआ था। तो जैसे ही मुझे कोविड हुआ तो मैं क्वारंटीन घर में ही रहा, तो मुझे रात को जाना पड़ता था कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ। मैं दो चार टाइम रात के टाइम मैं हॉस्पिटल गया, तो मुझे शिकारा नहीं मिला। तब जाके मेरे दोस्त ने मुझे मेरी हेल्प की, तो उसने मुझे शिकारा में क्रॉस किया। बट जैसे ही मैं हॉस्पिटल से वापस आया तो गाट यहाँ पे गाट पे मैं आया तो वहाँ पे जितने भी शिकारे वाले हैं मुझको देख के ही भाग गए, मुझे किसी ने क्रॉस नहीं किया। तो इट हर्ट्स मी, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं एक इंसान हूँ, मैं बीमार हूँ, मगर मुझे कोई, हाँ वो भी डरते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, उनको भी खौफ हो गया कि कोविड है। तो उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करूँ, क्योंकि मैं एक एम्बुलेंस बनाना चाहता हूँ डल में, जो फ्लोट है, एक क्रूज टाइप। हमारे पास दो तीन ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए कि पेशेंट, फिर डॉक्टर बोला यार अगर ये दो चार मिनट पहले यहाँ पे पहुँच जाता तो ये बच जाता, क्योंकि उसको प्रॉब्लम यही होता था कि आना जाना जो शिकारी का हमारा पहले होता था, उसके बाद फिर गाड़ी, फिर एम्बुलेंस। अब अगर ये इंशाल्लाह डायरेक्ट होगा तो इससे फ़ायदा हमको भी मिलेगा, और स्पेशली जो हमारे पास यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो कभी बीमार हो जाते हैं तो हम उस टाइम भी इनको बुला सकते हैं, और उससे टूरिस्ट को भी उसका फ़ायदा है।